यो पीपल, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू द गेम लाइव। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं फेवरेट पबजी मोबाइल लाइट। सो ये मैच आप मैंने आप पिछले वीडियो में बोला था कि स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का एक जल्दी मैं मैच लेके आऊँगा, तो ये वही उसी का ही मैच है। तो ये उसका ही मैच है। सो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जो जो मैं चल रहा है, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा लाइक करना और कॉमेंट करना और वीडियो शेयर भी करना। तो मेरा डिस्क का लाइट कहीं नहीं जल रहा, जल गया। सो इसमें मैं खेल रहा था वेरिंग अ मैप में स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड। सो ये मैच में बहुत ही मेरा अच्छा मैच चल रहा है, ये मुझे ये मैच बहुत पसंद आया। सो ये मैंने जो पहले स्क्रीन रिकॉर्डर था मेरा, तो मैं वहाँ से पहले करता था, उसके बाद वॉइस ओवर करता। लेकिन मैंने एक न्यू ऐप डाउनलोड किया है, तो उसमें आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करते 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 वॉइस ओवर कर सकते हो, दोनों एक साथ कर सकते हो। तो ये मैं वही कर रहा हूँ। तो ये मेरा कुछ, और इस वीडियो में मेरा बहुत सारा नेटवर्क इशू भी रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत, एक पूरा एंड तक देखना। तो ये पता नहीं मेरा कहाँ से ऐसे खून निकल रहा था, लेकिन पता नहीं भाई सामने की निकल रहा था कहीं से। तो यहाँ पर मैं फुदक रहा था पागलों की तरह। देखिए मैं खुद का वहाँ ड्रम पे, लेकिन मैं फिर से आ गया यहाँ बेंच पे। तो यहाँ पर सब लोग को मैंने फॉलो करने के लिए कह दिया था, तो मैं उतर रहा था पायलट प्लाजा पे। पहले मैंने सोचा कि पायलट प्लाजा पे उतरूँ, उसके बाद सोचा सेंट्रल रोड, लेकिन मैं उतर गया गलती से चर्च पे। मतलब मेरा इतना नेट लैग खा गया कि मैं गलती से उतर गया चर्च पे। तो मैंने सोचा चलो भाई चर्च में ही चलते हैं, पायलट प्लाजा में तो वो जा ही रहे हैं। तो मैं यहाँ पर, मेरा जो मार्कर था वो था सेंट्रल रोड पे। तो आप अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो और अगर कोई सुनसान जगह जगह चाहिए तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, ये बहुत ही अच्छा जगह है। देखिए मैं वहाँ पर उतर रहा था, लेकिन मैं आ गया इस साइड पे। तो ये थोड़ा नेटवर्क का ग्लिच है और कुछ नहीं। देखिए भाई साहब, तो यहाँ पर इस वाले ड्रम के ऊपर लगा था लेवल 3 का वेस्ट। तो मेरा इतना नेट खराब चल रहा था कि मेरा, मैं वो वेस्ट ले ही नहीं पा रहा था यार, ये कैसा पागलपन वाला ग्लिच है। तो मैंने फिर घूम के आया इस साइड पे, फिर मैंने इसको कोशिश किया, उसके बाद मैंने उसे लिया। तो मेरा तब वो जो नेट था तो वो तब स्मूथ हो गया। सो मैं दरवाज़ा ओपन किया तो मुझे यहाँ पर शॉटगन मिला, तो यहाँ पर शॉटगन और M16। देखिए मैंने यहाँ पर शॉटगन के एमओ ही नहीं उठाया, तो यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा आ गया था। तो मुझे पता नहीं इस बंदे के ऊपर क्या ही भूत चढ़ा हुआ था, ये मुझे पिस्तल से मार रहा था। तो इसको मैंने गोली मारा, इसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसे नॉक डाउन कर दिया सॉरी। तो फिर अभी इसे ख़त्म करते हैं। तो इसका तो मतलब एकदम बहुत ही गदर वाला मारा इसे। तो सामने में जाके मिल गया AK-47। और आप लोग गाइस कमेंट में बताना इसे AKM कहते हैं या AK-47 कहते हैं। सो मैं यहाँ पर, मुझे कुछ खास लूट नहीं, यहाँ पर यूज ही था तो मैंने उसको लूटा नहीं। तो मैं सीधा चला गया इसके बाजू में जो घर था, तो ये घर वो पहले वाला बंदा आके लूटा था। और पायलट प्लाजा में तो भाई फाइट में मच रहा था। सो मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ लूटा नहीं, तो तभी मैं इस वाले हाउस पर जा रहा था, लेकिन तभी एक बंदा पागलों की तरह भागते हुए आ गया। तो मैंने इसको भी नॉक डाउन कर दिया। तो इसके पास से मुझे अच्छे अच्छे गन्स मिल गया, जैसे कि आप देख सकते हो, स्कारल मिला इससे मुझे और Kar-98K। लेकिन मुझे स्कोप की बहुत कमी थी, इसलिए मैंने अभी स्नाइपिंग करना स्टार्ट नहीं किया। तो मैंने अभी सारे Kar-98 मतलब स्कारल से मारा था। तो ये जो व्हाट्सअप सा रहा था, उन लोग का पता ही है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इग्नोर मार देगा। तो यहाँ पर था एक बाइक, तो ये बाइक कहते हैं या कुछ और कहते हैं, ट्रॉली वाली कुछ कहते हैं, तो मुझे पता नहीं। तो मैं सीधा चला गया उस तरफ पायलट प्लाजा की तरफ। तो
तो मेरा इतना मतलब खराब नेट ग्लिच हुआ कि मैं सीधा बाइक को वहां पर चढ़ा दिया, और तभी जाते जाते मेरा जो टीममेट था 2 नंबर, उसे किसी ने नॉक कर दिया। सो मैं जा ही रहा था, लेकिन मेरे सामने एक बंदा दिख गया, तो इसका भी बनाए थे कुत्ता। सो इसको तो करते थे नॉक डाउन, अब इसको करते हैं खत्म। गन रिलोड करना भी जरूरी था, तो 2 नंबर को शायद किसी ने रेव दे दिया था, तो उसका हेल्थ बहुत कम था, तो ऊपर बंदा था, तो उसको फिर से किसी ने नॉक डाउन कर दिया, तो वो बेचारा मर गया। तो ऊपर फुटस्टेप्स आ रहा था, तो मैंने देखा था, क्योंकि अगर हल्का हल्का फुटस्टेप है तो बंदा छत पे होता है, तो ये बंदा वहाँ पर प्रॉन करके बैठा था, लेकिन इसका गन मुझे दिख गया था, तो मैंने इसका भी कुटाई कर दिया। सो वहाँ पर सामने एक बंदा पीर पे सामने जगह बैठ गया, तो यहाँ पर मुझे इसके पास कुछ अच्छा लूट नहीं मिला, लेकिन तभी 1 नंबर भी भाई नॉकआउट हो गया, तो नीचे फुटस्टेप्स भी आ रहा था, तो मैं सोच रहा था भाई नीचे जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैंने पहले यहाँ से गन रिलोड किया, फिर मैं घूम रहा था पागलों की तरह, लेकिन 3 नंबर भी जब मर जाता, लेकिन वो शायद उसके बाद कुछ अच्छा वेस्ट वेस्ट था, लेकिन वो बच गया। सो उस तरफ फाइट चल रहा था, हम पायलट पर गए मतलब लेफ्ट की तरफ, मतलब मेरे लेफ्ट की तरफ। तो वहाँ पर ये वही दोनों बंदे हैं जो जिसको मैंने पीर के पास मारा था। तो यहाँ पर से तो मैं ये क्रेट वेट पहले लूटने जाता हूँ, तो क्रेट में से इसके पास था UMP, और तो फायरिंग का साउंड आ ही जा रहा था, आ ही जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई रश करते मार ही देता इन लोगों को। यहाँ पर भी कभी कभार 6-6 मिल जाता, तो यहाँ पर मुझे रेड डॉट मिल गया, जो कि मैंने पिस्टल के पर लगा दिया, तो बंदा मेरे सामने आ गया। सो इसका ही मैंने गोलियाँ भर दिया। एक्सक्यूज मी। तो इसके बाद वो P18C, ये बहुत ही अच्छा पिस्टल है, तो मैंने वो ले लिया। तो फिर जोन तो आ ही रहा था, तो मैं यहाँ पर सोचा चलो पैदल चले या गाड़ी लेके चले, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई गाड़ी लेके चलते हैं, और यहाँ पर 3 नंबर भी गाड़ी लेने आ गया था, तो मैंने भाई ये तो सोचा कि ये चला जाएगा ऐसे ही, लेकिन वो चला नहीं गया। तो मैंने यहाँ पर कार्नेट के लिया था, भाई गलती से भी कार्नेट के मत लेना जब आप लोग गाड़ी में चलते, हमेशा ऑटो गन लेना। तो हम लोग सामने की तरफ जा ही रहे थे, तो हम लोग चेक कर रहे थे, तो तभी हम सामने मुझे हम लोग का स्क्वाड दिख गया, तो मैंने कार98K का शॉट बजा दिया ऐसे ही, इसके शायद हेडशॉट लगा था। तो यहाँ पर 3 बंदे थे, मतलब स्क्वाड था एक पूरा का पूरा, तो ये लोग तो हमें मार ही देते थे। तो 3 नंबर थोड़ा चालाक था कि जो गाड़ी से नॉक, इसने एक बंदे को नॉक कर दिया, तो मैंने भी यहाँ से एक बंदे को नॉक कर दिया था, तो वहाँ पर भी एक बंदा आ चुका था, तो उसको भी मैंने नॉकआउट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर 2 बंदे मारे थे, उसने एक बंदा मारा, तो यहाँ पर मेरा एमओ भी ख़त्म होने लगा था धीरे धीरे से। तो यहाँ पर से मुझे मिल जाता 6-6, तो मेरा यहाँ पर एमओ भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने यहाँ से 6-6 ले लिया। कार्नाइटेड के ऊपर 6-6। तो आप लोग गाइस कमेंट में बताना आप लोग को 6-6 अच्छा लगता है, 4X या 8X या 3X भी मैं कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से मैं स्कारल की एमओ मतलब 5 MM ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो मैं तभी इसके पास गया कि अगर इसके पास एमओ वेमो हो तो। तभी यहाँ पर देखा था AKM भी था, तो मैं सोच रहा कि AKM चेंज कर लूँ, तो मैंने तभी चेंज कर लिया। तो क्योंकि देखिए मेरे पास कार98K और AKM था, तो दोनों तो कॉमन गन मतलब दोनों के एमओ तो कॉमन ही है, तो मैंने उसको ले लिया। तो ये आगे पीछे कर रहा था, तो मैंने अभी हम लोग गैस जोन में जा रहे थे, तो ये गाड़ी उस साइड से भी घुमा के ले जा सकता है, लेकिन वो अभी सेंट्रल रोड से होकर जाएगा क्योंकि तो जोन उस तरफ हुआ है। अब इसके बाद होता है असली फाइट शुरू, ये तो बस बंदे भागे जा रहे थे, आ रहे थे या कुछ कर रहे थे, इस टाइम पे हम लोग करेंगे असली फाइट।
तो एक नंबर ने यहीं पर ही अपनी गाड़ी रोक ली। फिर रेड जोन था उस साइड पे, तो उस गाड़ी रोका नहीं, ठोक दिया। तो उस साइड फाइट भी हो रहा था, तो मैंने उसको मतलब मन ही मन में वो बोला था कि भाई तो गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। तो उसने यहाँ पर गाड़ी रोका नहीं था, लेकिन मैं उतर गया था गाड़ी से। तो शाम पीछे भी एक गाड़ी आ गया था, तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया कि अब भाई बच पाऊंगा कि नहीं। तो तभी मैंने कांटेक्ट के लिया और इसका तो बजाएंगे अभी हेड शॉट। तो इसका अभी ये तो खड़ा नहीं हो रहा, तो इसका भी मैंने मार दिया कांटेक्ट के का एक शॉट। तो ये उसका टीममेट था जो ज़्यादा उछल रहा था, तो इसको भी मैंने नॉकडाउन शायद कर दिया था। तो ये मेरा नॉकडाउन नहीं हुआ, तो मैंने इस जिस बंदे को नॉकआउट किया था तो वो उसको मैंने फिनिश कर दिया। तो मैंने इसको भी पहले ख़त्म कर दिया एक ही शॉट में। तभी और एक बंदा भागा आ रहा था, तो मैंने उसको भी एक शॉट मारा, तो वो बंदा प्रॉन हो गया। तो इसलिए मुझे वो बंदा दिख ही नहीं रहा था, तो सामने एयर ड्रॉप भी आ रहा था, लेकिन तभी वो मुझे बंदा दिख गया। तो उस साइड दो बंदे थे, तो इस साइड भी एक बंदा था हाउस पे। तो मैंने इसको भी ऐसे जूम किया, तो इसका भी मैंने बजा दिया हेड शॉट कान एडिट केस है। तो ये तो भाई मैंने सबसे अच्छी स्नाइपिंग की। तो अगर आपको ये वाला शॉट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और तभी तीन नंबर कैसे नॉकआउट हो गया, तो यहाँ पर एक बंदा था जिसका मैंने फिर से हेड शॉट मार दिया एक्सक्यूज मी। तो इस बंदे के पास था RPG, तो मुझे इस बंदे से बहुत डर लग रहा था कि ये बंदा कहीं शायद मार ना दे। तो इसको भी मैंने जब भी पीक ऑफ आया तो ये मेरा शॉट मिस हो गया। तो ये दोनों के दोनों बंदे टीममेट थे, तो इसलिए घुस गया अंदर। तो अभी अलाइव 7 था, तो मैंने देखा कि भाई पीछे की तरफ भी बंदा आएगा, सामने की तरफ भी बंदा आएगा। तो पहले क्या करे, पहले मैंने इस साइड वाले बंदे को मारने की सोची। तो इसको भी मैंने हेड शॉट मारने की कोशिश किया, तो वो मिस हो गया। तो मैंने ग्रेनेड फेंक दिया, तो ग्रेनेड उसे पास जाके गिरता है, फटता है। उसे कुछ इंजरी विंजरी नहीं था, लेकिन उसके बहुत करीब था ग्रेनेड। तो मैंने सोचा भाई गाड़ी ब्लास्ट करके कोई काम नहीं, क्योंकि एमओ बेकार बेकार लॉस होगा। तो ये बंदा बाहर की तरफ आ गया, तो इसको मैंने शॉट देने लग गया, तो ये ना छुप गया। तो मैंने इसके एक टीममेट का तो 1 HP कर ही दिया था, तो इसका भी बहुत हेल्थ लो था। तो तभी मैंने ये जो बंदा था, तो ये बंदा आके ये जो छोटा वाला हाउस है तो यहाँ पर जाके छुप गया था बेटा। तो मुझे पीछे से एक बंदा RPG मार रहा था, तो मैंने इसका तो बना दिया कुत्ता, इसका पत्ता कर दिया साफ। तो मेरा हो गया था 11 kills, तो मुझे मिल गया था 3x। तो इस बंदे के पास था बैरल M762 भी कहते हैं इसको। तो वो बंदा किसी और को मार रहा था, तो ये बंदा यहाँ पर आके छुप गया, तो इसे पता नहीं था मैं अंदर था। तो इसको पहले मैंने इसका किल चुराया और फिर इसको भी ख़त्म कर दिया भाई, गलत थर्ड पार्टी किया इसमें। तो मैंने इसको भी ख़त्म कर दिया, तो मेरा हो चुका था 13 kills। तो मेरा अब थोड़ा मतलब आ गया था जोश कि बंदे मार सकता हूँ मैं। तो मेरे पास था बैरल और कार 98 के, तो मैं थोड़ा हेल्थ भी हेल्थ किट वेल किट लिया। और यहाँ पर बंदे बचे थे अलाइव 4। तो मुझे लग रहा था कि कोई 3 लोग है और मैं अकेला, तो मैंने सोचा तीनों को मार के 16 kill कर लेते थे। तो सामने और एक बंदा था जिसके पास RPG था, तो ये बंदा मुझे पहले मार रहा था। और जो बंदा को मैंने नॉक किया RPG वाले को, तो वो जस्ट ये जो ड्रॉप है तो उसको लूट किया था। तो यहाँ पर मैं कवर ले रहा था कि वो मुझे मार ना पाए। तो मैंने यहाँ पर गन रिलोड किया, तो मैं वो बंदा मुझे देखा नहीं, शायद वो बंदा ने देख लिया था। तो मैं यहाँ पर आके ऐसे बैठ गया, क्राउच कर गया। तो ये बंदा भी मेरे साथ खेल रहा था, तो मैं भी इसी तरह खेल रहा था एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पर मैंने कार्नेट के उठा लिया, तो इस बंदे को मैंने सोचा कि मारते ही तो, लेकिन कभी कभार छुप रहा था, कभी कभार बाहर निकल रहा है। तो ये बंदा बाहर निकल गया, तो ये बंदा जब बाहर निकल रहा है तो हमको डर लगा कि भाई ये RPG ना मार दे। तो मैंने इसका बजा दिया, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एकदम एक नंबर का गधा था। तो ये RPG अपने ही वाले मतलब जिस रूम में था, तो ये वहीं पर मार दिया RPG। तो यहाँ पर बग्गी था, तो यहाँ मैं ले गया। और इसका जब RPG इसने मारा, तो तब इसका हेल्थ भी बहुत कम हो गया। तो
उसका हेल्थ कम हो गया, तो मेरे पास था एक बैरल, तो मैंने उसे भर दिया गोली। तो यहाँ पर मैं सोचा था चलो अभी 14 किल्स हो चुके हैं, अभी और दो बंदे हैं तो दो बंदों को ही मार देंगे। तो यहाँ पर मैं आके चेक कर रहा था कि बंदे यहाँ पर कैम्प करते कभी कभार, ये जो है तो यहाँ इसके अंदर कैम्प करते बंदे। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप लूट ने भी यहाँ देख रहा था कि अगर बंदा ड्रॉप लूटेड है कुछ कुछ है, तो यहाँ पर बंदा नहीं था। तो ये जो वेयर हाउस था, तो यहाँ पर बंदे हमेशा कैंप करते, तो मैंने उसे चलो भाई कैंप कर लेते हैं। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर बंदे दो स्क्वाड वाले हुए। सो मैं यहाँ पर चेक कर रहा था सारे हाउसेस वाउसेस, तो यहाँ पर दरवाज़ा टूटा हुआ था, तो यहाँ से मुझे कुछ एमओ वेमो मिल जाता है। तो यहाँ पर सारे के सारे मतलब ये वाला दरवाज़ा टूटा हुआ, तो मैं यहाँ पर बैठ गया था, कोई बंदा आए तो मार देंगे मार देंगे मार देंगे। सो मैं यहाँ पर हाउस की तो ऊपर ही गया। तो कभी कभार क्या होता है, बंदा एकदम चुपचाप खड़ा रहता है, तो उसका आपको फुटस्टेप्स भी नहीं आता है। सो आप गाइस आप लोग देखना कि मुझे बंदा कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर अलाइव तो 3 था, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, अलाइव 3 था मतलब हम मैं था और दो, तो मैं यहाँ पर बात किया जा रहा था तभी। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही देख रहा था कि बंदा कहाँ से, तभी मुझे बंदा मिल जाता है उस हाउस पे। तो इसका मुझे बैग दिख जाता लाल कलर का, पे बैग नहीं शायद वो पैंट था, हाँ पैंट। तो मैंने से एक बजा दिया, ये शायद अलर्ट हो गया, तो यहाँ से मुझे एम नहीं लग रहा था, तो इसको मैंने और अलर्ट कर दिया पागलों की तरह। तो मैं यहाँ पर इसे एम लेने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर मुझे एम नहीं मिलता, तो मैंने यहाँ से जंप लगा दिया। जंप लगा के यहाँ से मुझे एम मिल रहा था। तो पहले तो मैंने इसका मारा कार 98 के सोचा मारने के लिए, लेकिन मैंने इसको मार दिया बैरल से ही, तो इसने मुझे भी मार रहा था M16। तो तभी एक और बंदा बचा था जो कि जोन से ही मर जाता है। तो ये बंदे को मैं ढूंढ रहा था तभी, तो तभी वो जोन से ही मर जाता है, तो हमको मिल जाता है विनर विनर चिकन डिनर। तो आप लोग का अगर वो पिछले बार स्नाइपिंग अच्छा लग रहा था होता है, तो आप लोग वो उसको चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो मैं पहले भी क्या कह चुका हूँ। सो यहाँ पर मैंने ऐसे ही फन मर रहा था, तो यहाँ पर हो चुके 34 सेकेंड्स। सो मैं इससे ऐसे ही पागलपंती किया जा रहा था तभी। और आप लोग गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कार 98 के पर कौन सा 6X 3X या 4X अच्छा लगता है, या 8X, और या फिर आप लोगों को कार 98 के पे